बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की आलमगंज थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। वहीं दो युवक को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ कर रही है। न्यूज प्राइम 24 के लिए पटना सिटी से नवीन कुमार की रिपोर्ट। बीती रात्रि सूचना मिला कि नौजा घाट और हनुमान घाट घाट के आसपास में जो है शराब कारोबारी जो है अपना नाव से शराब को लेकर आ रहे हैं। हम लोग गुप्त रूप से वहां पर छुप कर रहे हैं, तभी जो है से लगभग 16 बोरा जूट के बोरा में रखा हुआ शराब लगभग 800 लीटर बरामद हुआ। उसमें शराब का जो कारोबारी है उसमें भागने में सफल रहे, उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सब देसी है विदेशी वहीं सब देसी शराब। वहीं दो आरोपी भी सर बरामद हुआ है शराब मामले में। हाँ, उसी में आज जल्ला मंदिर के आसपास जल्ला से डोमखाना के पास से लगभग करीब 100 लीटर देसी शराब एवं दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।